सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने डेस्कटॉप पर ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट किसी भी वेबसाइट का, यानी कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट का, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किस वजह से हम मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहते हैं कि कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे डेस्कटॉप पर आ जाए एक शॉर्टकट बनके। तो उसके लिए हमें जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर। तो जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐप सर्च करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया है। आप देख सकते हैं कि जो YouTube की ऑफिशियल ऐप है वो विंडोज प्लेटफॉर्म के अंदर, यानी कि विंडोज PC के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर सर्च रिजल्ट के अंदर हमें बहुत सारी फेक ऐप्स देखने को मिलती है, जैसे कि ये फिज YouTube और YouTube फॉर विंडोज लिखा जरूर है लेकिन ये फेक है। इसके अंदर हमें प्ले पॉज बटन जो है वो उल्टा देखने को मिल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। तो यानी कि हमें ऑफिशियल जो ऐप होती है वो देखने को नहीं मिलती है, और इसी वजह से हम यूट्यूब जैसी ऐप का अपने डेस्कटॉप के अंदर एक शॉर्टकट चाहते हैं। तो इसी वजह से, और मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे Amazon प्राइम वीडियो, तो हमें Amazon प्राइम वीडियो भी यहां देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही बहुत सारी ऐप है आप देख सकते हैं, जैसे हॉटस्टार भी हमें देखने को नहीं मिलता है। देख सकते हैं यहां पर भी बहुत सारी फेक ऐप्स आ जाएंगी, यानी कि दूसरी। और यहाँ अगर हम Netflix सर्च करते हैं, Netflix हमें विंडोज के लिए मिल जाता है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि विंडोज स्टोर के अंदर हमें बहुत सारी ऑफिशियल ऐप देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो YouTube हो या फिर वो Amazon प्राइम वीडियो या फिर वो Hotstar हो, लेकिन Netflix हमें विंडोज स्टोर पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैंने उसका शॉर्टकट भी ऐड कर रखा है, यानी उस एप्लीकेशन का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन का हम डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम Netflix ऐप का शॉर्टकट ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली लेफ्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, यानी कि बाहर की तरफ हम रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट आ जाएगा। और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहते हैं, या फिर शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं इन्हें नेम वाइज, या फिर किसी भी तरीके से साइज वाइज या कैसे भी। तो नेम वाइज अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि पहले से मेरे पास अवेलेबल है। तो आप क्रोम के अंदर चलते हैं, और जैसे ही हम यहाँ क्रोम के अंदर आए हैं तो मान लीजिए अगर हमें यूट्यूब का शॉर्टकट ऐड करना है अपने डेस्कटॉप पर तो हमें यहाँ पे यूट्यूब सर्च करना होगा। जैसे ही हम जाते हैं यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ से हम जाते हैं यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप सभी देख सकते हैं हम आ गए हैं यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ से जैसे ही हम इसका शॉर्टकट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जाना होगा मोर टूल्स में। और जैसे ही हम मोर टूल्स पे जाते हैं यहाँ पर हमें क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर YouTube का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए क्या है। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो है ओपन एज विंडो और दूसरा है बिना इसको सिलेक्ट किए हुए, यानी कि बिना ओपन एज विंडो को सिलेक्ट किए हुए। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ और दोनों ही तरीकों से आपको दिखा रहा हूँ। पहले बिना सिलेक्ट किए ओपन एज विंडो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं मैंने क्रिएट कर दिया है। मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट आ गया है डेस्कटॉप पर। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो जैसे ही अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हम सीधा पहुंच जाएंगे क्रोम के अंदर। आप देख सकते हो यहां पर क्रोम का खुला है, यानी कि नई विंडो के तौर पर नहीं खुला है, ये क्रोम के अंदर ही खुला है। हमें ऊपर क्रोम का इंटरफेस देखने को मिलता है, और साथ ही में अगर हम इसको क्लोज करके दूसरा अगर हम बनाते हैं यूट्यूब का, तो मोर टूल्स पे जाके हमें क्रिएट शॉर्टकट पे जाके अगर हम इसे ओपन एज अ विंडो करते हैं, तो हम इसको क्रिएट करते हैं तो हमें एक नई तरह की विंडो देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमें नया यूट्यूब का लोगो देखने को मिलेगा। और साथ ही में तो बैक करते हैं और इसी को हम ट्राई करते हैं, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं।
तो जो नया हमने शॉर्टकट बनाया था वो ये है, इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपन एज न्यू विंडो है, यानी कि ये एक नई विंडो के तौर पर खुला है बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं हमें ऊपर और नीचे किसी भी तरह से कोई भी क्रोम का इंटरफेस देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक नई विंडो खुली है। तो इस तरह से ये काफ़ी जेन्युइन लगता है और क्रोम का भी थोड़ा बहुत फील नहीं आता है, लेकिन ये खुला क्रोम के थ्रू ही है। और आप इसी तरह से अपनी किसी भी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं हॉटस्टार को ऐड करता हूँ। और हॉटस्टार का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए भी हमें सिंपली वही करना होगा, बस यहाँ पर हमें जाना होगा मोर टूल्स के अंदर और उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट करके सीधा यहाँ से ओपन एज विंडो सेलेक्ट करके हम कर देंगे क्रिएट शॉर्टकट। तो आप देख सकते हो ये नई विंडो बन गई है और यहाँ पर नीचे हॉटस्टार का लोगो आ रहा है और इसी तरह से ओपन होगा ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हॉटस्टार का भी आ गया। और आप इसी तरीके से अपनी किसी भी वेबसाइट का अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो शॉर्टकट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।